उमा भारती ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया? किन तीन लोगों की वजह से उमा भारती नहीं लड़ रही चुनाव? आमतौर पर हर नेता की इच्छा चुनाव लड़ने की ही रही है। अगर किसी नेता का टिकट कट जाता है तो वो या तो पार्टी से बगावत कर लेता है या फिर कोप भवन में चला जाता है। लेकिन बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने खुद ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उनके चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, मगर उमा ने अपने फैसले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। जी हां, अयोध्या आंदोलन की फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले पर दिलचस्प बयान दिया है। उमा ने कहा है कि मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे गुवेरा भगवान हनुमान और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी से प्रभावित होकर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं उतरने का फैसला किया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को उमा भारती ने बताया कि अपने जीवन में मैं तीन लोगों से बहुत प्रभावित रही हूं। पहले हनुमान जी, दूसरे चे गुवेरा और तीसरे शिवाजी। उमा ने कहा कि चे जीते और वो क्यूबा के दिवंगत नेता फिदेल कास्त्रो के साथ थे। तभी उन्हें अचानक एहसास हुआ कि एक और देश उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने सत्ता त्याग दी, वो दूसरे देश जाकर लड़े और वहाँ उनकी मौत हो गई। हनुमान जी भी एक मिसाल है, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भगवान राम के चरणों में आकर बैठ गए। झांसी से बीजेपी सांसद उमा भारती ने कहा कि मैं आडवाणी जी से भी प्रभावित हूँ। उमा ने झांसी से बीजेपी कैंडिडेट और एक आयुर्वेद फर्म के मैगजीन डायरेक्टर अनुराग शर्मा के लिए प्रचार करते हुए ये बयान दिया। इस दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। उमा ने कहा कि वो दोनों नेताओं के प्रशंसक हैं। योगी और पीएम मोदी का युवा रूप करार देते हुए उमा ने कहा कि उन्होंने इस बार चुनाव से ब्रेक लिया है। हालांकि उन्होंने 2022 में दोबारा लड़ने की संभावना को खारिज नहीं किया। उमा ने कहा कि मैं अभी 59 साल की हूं और अगले 5 साल गंगा को पुनर्जीवित करने में लगाना चाहती हूं। आपको बता दें कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती की अगुवाई में बीजेपी ने 2003 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था और भारी जीत हासिल की थी, लेकिन महज कुछ महीनों के भीतर ही उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वो केंद्र की राजनीति में आ गई, लेकिन इस बार उन्होंने संसदीय चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।